हाय गाइस, आज हम साउथ इंडियन का ककली चोर और पटाटो चोखा बनाएंगे। ककली चोर बनाने के लिए हम थोड़ा नारियल का तेल लाए हैं, उसमें थोड़ा सरसों दे दिए हैं। इसको थोड़ा पकने देते हैं सरसों को। ये दे दिए हरा मिर्ची, प्याज और मिसिंगा पत्ता। और ये थोड़ा नमक दे दिए स्वाद अनुसार। इसको थोड़ा अच्छे से मिलाना है, जैसे वो पक जाए और लाल दिखे तब हम उसमें टमाटर काट के रखे उसको डालेंगे। ये अभी लाल दिख गया है, अभी थोड़ा टमाटर दे देते हैं। इसको अच्छे से भूनना है, जैसे थोड़ा पकने लगे तो इसमें हम मसाला डालेंगे। देखिए थोड़ा पक चुका है। अभी हम इसमें हल्दी दे दिए, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, साउथ का स्पेशल मसाला, ये चिली पाउडर। अभी थोड़ा कलर दे दिए, इसको थोड़ा अच्छे से मिला देना है इसमें, ताकि ये सब जैसा हर तरफ मिल जाए। हम इसमें अभी नारियल का जो ग्राइंडिंग करके उसको हम पानी पर को छान के रखे हैं और जो पाउडर को उसको अलग कर दिए हैं उसको अभी इसमें मिलाएंगे। ये हो चुका है, इसी तरह भूंजते रहना है, नहीं तो जल जाएगा। थोड़ा गैस को भी कम करके रखना है भूंजने के टाइम में। यह ग्रेवी अच्छा से हो चुका है, ये पूरा पक गया। अभी हम नारियल को बन ग्राइंडिंग करके छान के रखे हैं उसको हम डालेंगे। ये हो गया हमारा ककली चोर, ये हो चुका है। अभी इसको हम थोड़ा बॉइल्ड कर देंगे, उसके बाद धनिया पत्ता दे के इसको उतार देना है। ये रहा धनिया पत्ता, और इसको अब उतार देंगे। और अभी हम बनाएंगे पोटैटो चोखा। उसके लिए इसी तरह नारियल का तेल और सूखा हुआ मिर्ची और थोड़ा हरी मिर्ची, प्याज और मिसिंगा पत्ता इसमें डालना है। उसी तरह इसको भी थोड़ा पकाना है। स्वाद अनुसार थोड़ा नमक। अब थोड़ा अच्छे से भूंजेंगे, ये जब थोड़ा थोड़ा लाल दिखे तब हम पटाटो को देंगे। थोड़ा लाल दिख गया, अभी देखिए हम पटाटो को दे दिए हैं। इसको हम छोटा छोटा करके उपला का ऊपर का छिलका को निकाल दिए हैं और ये डाल दी। इसको अच्छे से मिलाना है, जिससे कि उसका मसाला वगैरह सब इसमें अच्छे से मिल जाए। ये देखिए इसी तरह मिलाना है। उसके बाद हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अभी 2 मिनट हो चुका है, तो हम अभी थोड़ा मसाला, गरम मसाला दे दिए और साउथ का स्पेशल मसाला और चिली पाउडर दे दिए हैं। उसको अच्छे से मिलाएंगे। ये हमारा हो चुका पोटैटो चोखा। तो गाइस, आज ये ख़त्म हो गया ककली चोर एंड पोटैटो चोखा। इसको हम रोटी के साथ और खाने के साथ भी खा सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।